ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे आ, क्या हुआ, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं लगी दीदी। कौन बदतमीज है ये, यहाँ बैठ के पियर भी और ऊपर से कैन भी यही छोड़ दिया। वॉचमैन जी। मैडम अभी कौन कौन था यहाँ पूल में? रात को सोसाइटी में पूल यूज करना बना है ना। और ये देखिए वो जो नए साहब आया है ना आपके ऊपर वाले फ्लैट में, वो थे मैडम। उनको मालूम नहीं होगा शायद। मालूम नहीं है तो फिर बताना पड़ेगा ना। और इसे हटवा दीजिए यहाँ से, फिर से किसी को ना लगे। ये सुन, आधी रात को इतना लाउड म्यूजिक चला रखा है, अड़ोस पड़ोस वाले की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो लाउड म्यूजिक अच्छा लगता है दीदी। तुम चुप रहो। ओह गॉड, कितने गुस्से में हो आप। आप प्लीज उनसे झगड़ा मत करना, मैं उन्हें सारे रूल समझा दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगी अभी। वो बियर कैन इनके नहीं, मनोहरा अंकल के बेटे का था। मुझे अभी अभी दूसरे गार्ड ने बताया। थैंक गॉड अभी हमने उनको डांटा नहीं। अगर गलत बात पे डांटते तो वो भी हमसे झगड़ा करने लग जाते, तो हम फ्रेंड्स बनने से पहले ही एनिमीज बन जाते। अब चलो घर चलते हैं। एक मिनट, मेरा टॉवल जो एक्सचेंज हुआ उसका क्या? दीदी उसका भी हमको शोर नहीं है ना दीदी, तो कल पूछेंगे। चलो इतनी रात को किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती ना। चलो ठीक है, कल देखते हैं। हेलो हेलो किट्टू। दीदी ये वही वाले किट्टू हैं जो उस दिन लिफ्ट में अटक गए थे, जिन्हें मैं अपने घर लाई थी। वही वाले, आपको कहा था कि अदरक वाली चाय बना दो। आप उस दिन मेरे आने से पहले वहाँ से चले क्यों गए थे? मैंने कहा था ना दीदी बहुत अच्छी अदरक वाली चाय बनाती हैं, उसको पीकर सभी का हेडेक ठीक हो जाता है। आप उस दिन यहाँ घर देखने ही आए थे ना। वैसे अब तो हम फ्रेंड्स हैं, किट्टू किट्टू फ्रेंड्स और दीदी हम दोनों की फ्रेंड्स। अब आप दीदी के हाथ की अदरक वाली चाय कभी भी पी सकते हो, पर आप दीदी का जल्दी से टॉवल वापस कर दो, नहीं तो दीदी आपके लिए कभी अदरक वाली चाय नहीं बनाएंगी। ये इनका टॉवल ऊपर से गिरा और आपने यूज कर लिया। कोई बात नहीं, बाद में दे देना वॉश कर कर। ये लो आपका टॉवल। किट्टू। हाय मम्मा, थोड़ी देर में आती हूँ, बाय। इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा वैसा सोचो, बता देना चाहता हूं ये कुछ भी प्लान नहीं था। जो भी हुआ अचानक हुआ और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे पीछे नहीं आए, इतनी बार बुलाने पे नहीं आए, तो बिना बुलाए क्या आते हैं?
परेशान हो जाएंगे, पर आज नहीं तो कल उन्हें पता तो चल ही जाएगा। क्या हो रहा है, पहले कॉलेज फिर बिल्डिंग, 2 साल से बिल्कुल आमना सामना नहीं हुआ और अब अचानक माँ को पता चलेगा तो? नहीं नहीं, माँ को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत हर्ट हुए थे पापा लास्ट टाइम जब वो और कार थे आमने सामने, अब फिर से वही। मैं तो दूसरा कुछ के लिए बैटर बनाया लेकिन बेबी ने तो कचौरी बना दिया। What happened बेबी? आज कचौरी खाने का मन किया क्या? हाँ प्रिंसेस, तुमने कचौरी बनाई?